बुधवार शाम 6 बजे के लगभग बघाना अंडर ब्रिज में अज्ञात बदमाशों ने सीआरपीएफ जवान के साथ चैन स्नीचिंग की घटना को अंजाम दिया। इस बीच जवान ने बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने जवान के गले में चाकू मार दिया और मौके से फरार हो गए। घटना में सीआरपीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार रवि पिता मांगीलाल जाति तेली उम्र 40 वर्ष निवासी बघाना अपने साथियों के साथ बघाना से कार क्रमांक MP44CA 5667 में सवार होकर नीमच शहर की ओर आ रहा था। तभी बघाना अंडर ब्रिज के सामने से बाइक पर सवार होकर आए 3 अज्ञात बदमाशों में से एक ने कार की खिड़की में हाथ डालकर रवि के गले से चेन खींचने का प्रयास किया, जिस पर रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसी दौरान बदमाशों ने रवि के गले पर चाकू से वार कर दिया। रवि के साथी उक्त मामले को समझ पाते उससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रवि को उसके साथियों द्वारा तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया है। रेफर के दौरान स्वयं रवि ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सीआरपीएफ का जवान है, वह कार में सवार होकर अपने साथियों के साथ नीमच शहर की ओर आ रहा था। तभी बघाना अंडर ब्रिज के अंदर सामने से एक बाइक पर 3 बदमाश आए और खिड़की में हाथ डालकर उन्होंने मेरे गले में से चेन खींचने का प्रयास किया, वहीं मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। इसी दौरान उन्होंने गले पर चाकू से वार कर दिया और भाग गए। चाकू मार दिया तो मैं क्या करूं? मगर मेरे को मेरे आईजी साहब पे पूरा विश्वास है, वो मेरी पूरी हेल्प करेंगे। जय श्री राम भाई साहब। लो भैया का मामला बात कर लो। अरे यहां से ओ भाई साहब, कौन लोग थे, कितने लोग थे? 3 लोग थे। ले लगाओ, 3 लोग थे। 3 है।